तो लोकसभा चुनाव 2024 का रण पूरी तरीके से तैयार, उससे जुड़ा हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मरुधरा की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की टोंक के उनियारा में जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने भीनमाल और बांसवाड़ा में रैली की थी, वो तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास थी। हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया ने आप तक पहुंचाया था, हर एक संबोधन सुनाया था और हर एक लफ्ज जो था वो करारा प्रहार विपक्ष पर था, कांग्रेस पर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। लेकिन उसका असर जनता पर कितना पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। और अब जब वो एक बार फिर से मरुधरा पधारेंगे और एक बार फिर से संबोधन होगा, वो रैली होगी, जनसभा होगी, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी खास, और राजस्थान कितना खास है ये आप अंदाजा लगाइए। बीजेपी के लिए 25 की 25 सीटें कितनी महत्वपूर्ण है, और अब दूसरा फेज रह गया, उसमें बाकी बची 13 सीटों पर फोकस है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत यहां पर लगाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मिशन मरुधरा पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की टोंक के उनियारा में जनसभा होने जा रही है। कल की तैयारियों को लेकर बीजेपी जुटी हुई है, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा कि रविवार को भी प्रधानमंत्री मोदी मरुधरा आए थे, इससे पहले भी कई बार यहां पर आए हैं, भीनमाल और बांसवाड़ा में उन्होंने रैली की थी, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी। योगेश जी, एक बार फिर से मरुधरा का रुख, ये तो साफ हो गया है कि राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से इस बात को जान गए हैं, और वो भी खासकर जब से प्रथम चरण हुआ है। अब संबोधन कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना खास होगा, आपको क्या लगता है योगेश जी? देखिए पूनम, जिस तरह आपने टिप्पणी की है उसमें बहुत गहराई है राजनीतिक तौर पर, और इसलिए सेकंड चरण अपने आप में अहम हो गया। पहले चरण का कम प्रतिशत कई तरह से कई कयासों को जन्म ले रहा है, और अब पूरी ताकत दूसरे चरण में बीजेपी ने लगाई है, और दूसरे चरण की जो सीटें हैं उनमें बीजेपी को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के दौरे बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए जान फूंकने का काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जी, टोंक सवाईमाधोपुर का दौरा संघर्षपूर्ण सीट है, और यहाँ पर जातीय समीकरणों के आधार पर वोटिंग परसेंटेज भी अप एंड डाउन होता रहता है। बीजेपी ने यह चुनाव जीता है बीता लोकसभा का, और जोनापुरिया लगातार दो बार चुनाव जीते हैं, उनको फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। कहा जा सकता है कि इस सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले प्रयोग किए थे, अदरुद्दीन जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके, जाने माने क्रिकेटर, वो भी आज चुनाव लड़ चुके, लेकिन उनको भी जीत नहीं मिली थी। और इस बार स्थानीय देवली उनियारा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हरीश मीणा को उम्मीदवार बनाया है। हरीश मीणा पहले सांसद रह चुके दौसा से, और मूल रूप से वो टोंक और टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट के ही बामनवास के रहने वाले, मूल रूप से ये परिवार यहीं से ताल्लुक रखता है। और नमोनारायण मीणा, हरीश मीणा के बड़े भाई, वो टोंक सवाईमाधोपुर से सांसद रह चुके, केंद्र में यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके। तो ये कहा जा सकता है कि मीणा परिवार का यहाँ पर अपने आप पुराना वर्चस्व होल्ड है, और सचिन पायलट कैंप के होने से या गुर्जर समुदाय के अंदर काफी डिवाइडेशन हो सकता है, और ऐसे में बीजेपी ने अब ताकत लगाई है। नरेंद्र मोदी का दौरा अपने आप में बेहद अहम होगा। नरेंद्र मोदी यहाँ पर वो रुख मोड़ने का काम कर सकते हैं वोटर्स का, और कहा जा सकता है कि एक अपने आप में बहुत ही रणनीतिक तौर पर यहाँ पर देव उनियारा के अंदर मीटिंग रखी गई है जी, जो काफी महत्वपूर्ण रहेगी जी। चलिए ठीक है योगेश जी, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।